हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मेरे पास जो साइड एज की बैटरी है उसका करने वाला हूँ बैकअप टेस्ट। दिखाऊंगा कितने घंटे बैकअप देगी। और दोस्तों, आप इमरजेंसी सिस्टम लगाना चाहते हो लेकिन आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, छोटा बैटरी और छोटा इन्वर्टर का आप यूज़ करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिए कितना बैकअप मिल सकती है आपके छोटे बैटरी से। तो मेरे पास जो साइड एज की बैटरी है उससे दिखाऊंगा बैकअप टेस्ट आपको कितना मिलेगी, कितना बैकअप देगी, कितने घंटे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसी बैटरी से दोस्तों मैं चला कर दिखाऊंगा, ये साइड एज की बैटरी देख पा रहे हो। और ये दोस्तों लगभग 1.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये नया बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये रहा है मेरे पास इन्वर्टर एमरॉन कंपनी का 880 VA 705 वाट, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप चला कर देखते हैं। और दोस्तों, मैं अलग से कुछ नहीं चलाऊंगा, अलग से मतलब मैं घर पर जैसे चलाता हूँ बस ऐसे ही चलने दूंगा। मैं दो रूम पर दोस्तों लगभग 3 फैन चलती है और लगभग 5 लाइट और एक टीवी, ठीक है ना। इससे मैं आपको चला कर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा बैकअप कितनी देगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ घर पर क्या क्या मैं चलाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा बैकअप टेस्ट। तो दोस्तों, ये रहा एक रूम, इसमें दोस्तों एक लाइट जलती है दोस्तों, जो है 9 वाट की लाइट, और एक फैन देख पा रहे हो, ये लगभग 50 वाट की फैन होती है, टेबल फैन, ठीक है ना। ये दो इस घर पर चलेगी और दूसरे रूम पर चले देखते हैं। और ये रहा दोस्तों और एक फैन जो बाहर चलती है, ये भी 50 वाट की है। और इधर एक भी एक लाइट है दोस्तों 9 वाट की, ज़्यादातर दोस्तों मैं 9 वाट की लाइट यूज़ करता हूँ घर पर। और ये रहा एक रूम, इसमें चलेगी दोस्तों एक फैन देख पा रहे हो, वॉल फैन जो है दोस्तों 50 वाट की वॉल फैन, और एक लाइट देख पा रहे हो, एक लाइट जलाऊंगा दोस्तों, दो लाइट इधर है लेकिन मैं एक लाइट जलाऊंगा। और दोस्तों, लाइट और फैन के साथ साथ दोस्तों मेरे पास सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई भी है दोस्तों, उसके साथ ही चलेगा। आप देख पा रहे हो वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा भी सेटअप किया हुआ है, देख पा रहे हो सीसीटीवी कैमरा का मशीन, ये भी चलेगा, एमरजेंसी सिस्टम लगा हुआ है। और कभी कभी दोस्तों मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ, लेकिन अभी कंप्यूटर और प्रिंटर नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना। प्रिंटर भी है और कंप्यूटर भी है, ये प्रिंटर नहीं चलता बैटरी से, बस ये छोटा वाला जो प्रिंटर देख पा रहे हो एप्सन कंपनी का, ये बस चलता है। अभी प्रिंटर और कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, अभी बस टीवी आपको चला कर दिखाऊंगा। और चलिए देख पा रहे हो इधर दोस्तों एक लाइट है बाहर देख पा रहे हो, ये भी 9 वाट की लाइट है, और सीसीटीवी कैमरा इधर आप देख पा रहे हो दो लगा हुआ है। और ऊपर दोस्तों और एक लाइट है दोस्तों 9 वाट की, आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो दोस्तों, यही कुछ लाइट वगैरह मैं जलाऊंगा, और एक टीवी भी है, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे पास डब्बा वाला टीवी है पुराने वाली, देख पा रहे हो ये वाला टीवी दोस्तों, 100 वाट की टीवी है ये, फिलहाल इसको कोई देखता नहीं दोस्तों, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं चला कर दिखाऊंगा, डीटीएच का भी रिचार्ज नहीं है, बस ऐसे ही चालू करके रख दूंगा, तो हमें देखने को मिल जाएगा कितना। तो दोस्तों, 9 वाट की दोस्तों 5 लाइट जलेगी, देख पा रहे हो 5 लाइट 9 वाट की जलेगी, और 50 वाट की दोस्तों 3 फैन और 100 वाट की एक टीवी चलाऊंगा दोस्तों। और छोटे मोटे चीज़ तो चलती ही रहती है, जैसे कि मोबाइल चार्ज वगैरह और वाईफाई सीसीटीवी कैमरा ऐसे उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कितनी वाट है मुझे पता नहीं, लेकिन इनों के देख पा रहे हो ये जो कैलकुलेट किया 304 वाट हुआ, देख पा रहे हो, ठीक है ना। बस लाइट फैन और टीवी को मिलाकर, और मोबाइल चार्ज और ये को मैं पकड़ा नहीं, सीसीटीवी कैमरा को, अब देखते हैं कितने घंटे बैकअप देगी। तो चलिए चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए अभी करते हैं इसको ऑन, देख पा रहे हो ये फुल चार्ज है दोस्तों, इन्वर्टर पर आप देख पा रहे हो चार्जिंग फुल है, चार्ज और नहीं हो रहा है। और दोस्तों, इधर भी आप देख सकते हो 100% चार्ज, ठीक है ना, इधर इंडिकेटर पर आप देखो, ठीक है ना। और मोबाइल से दोस्तों एक मैं टाइमर भी स्टार्ट कर दूंगा, तो चलिए मैं चार्जिंग का पोर्ट में बंद कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों UPS मोड आ जाएगा। चलिए मैं करता हूँ बंद, देख पा रहे हो दोस्तों ये UPS मोड आ चुका है, अभी चलिए मैं कर देता हूँ स्टार्ट, देख पा रहे हो इधर 100% चार्ज, ठीक है ना, फुल चार्ज। ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है दोस्तों, चाहे तो आप भी ले सकते हो, देख सो देख पा रहे हो 99% हो चुका है, 98, काफ़ी जल्दी डिक्रीज हो रहा है चार्ज, कम हो रहा है। चलिए मैं फटाफट जाके सब कुछ मैं ऑन कर देता हूँ, अभी सब कुछ मैं ऑन नहीं किया, तो देख पा रहे हो लाइट फैन अभी भी बंद है, तो फैन को चालू कर दिया, लाइट को चालू कर दिया, 9 वाट की लाइट, 50 वाट की फैन, और चलिए इधर भी एक मोबाइल भी चार्ज हो रहा है दोस्तों, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज़ दोस्तों ऐसे चलती रहती है, तो ये भी फैन है, इसको भी मैं कर देता हूँ ऑन, देख पा रहे हो ये फैन भी चालू हो चुका है, लाइट को भी मैं कर देता हूँ ऑन, देख पा रहे हो। तो इस घर पर चल के इसको भी फैन को चालू करते हैं, देख पा रहे हो लाइट जला हुआ है UPS मोड से, या लाइट जलाया दोस्तों, इसको मैंने नहीं जलाया, ठीक है ना। 9 वाट की एक लाइट जल रही है, और फैन को भी कर देता हूँ चालू, फुल स्पीड में दोस्तों करूँगा, देख पा रहे हो फुल स्पीड में कर दिया, देख पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए अभी बाहर चल के दोस्तों लाइट दो और है, और उसको भी चालू करते हैं, और टीवी देख पा रहे हो, टीवी को भी चालू करना होगा,
इधर भी दोस्तों छोटा भी फैन भी लगा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हो 12 वोल्ट का डीसी। तो ये लाइट को मैं कर दिया ऑन, टीवी को कर दिया ऑन। टीवी का दोस्तों इधर से वायर गया, देख पा रहे हो आप इधर से, ठीक है ना, इधर से वायर गया टीवी का। अंदर चलिए देखते हैं, देख पा रहे हो दोस्तों टीवी पर भी ये बिजली आ चुका है, टीवी भी चालू हो चुका है, लेकिन डीटीएच का रिचार्ज नहीं दोस्तों, बस टीवी ऐसे ही चलने दे, कितना टाइम चलेगा बाद हमें दिखना है, ठीक है ना। इधर से चल रहा है, तो चलिए और एक लाइट चलाना बाकी है, ऊपर का लाइट, इसको मैं कर देता हूँ ऑन। चलिए देख पा रहे हो बाहर लाइट चालू हो चुका है, देख पा रहे हो बाहर जल रहा है, देखो, ठीक है ना, और इधर भी जल रहा है, लगभग 5 लाइट जल रहा है दोस्तों, और 3 फैन, 1 टीवी, ठीक है ना। और छोटे मोटी चीज़ जैसे कि सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई, ये भी चल रहा है दोस्तों, आप देखो, आप देख पा रहे हो सीसीटीवी कैमरा वाईफाई सब कुछ चल रहा है, बैटरी ऑटोमेटिक सिस्टम से, एमरजेंसी सिस्टम से। तो देख पा रहे हो दोस्तों काफ़ी स्पीड से चल रही है, और एक छोटा सा फैन भी, चलिए इसको भी चला देता हूँ, कोई बात नहीं, 12 वोल्ट का, इसको भी चालू कर दिया, देख पा रहे हो। तो अभी चलिए देखते चार्ज कितना जल्दी ख़त्म होता है, देख पा रहे हो टीवी भी ऑन है, और इधर फैन भी चालू हुआ है, लाइट सब कुछ दोस्तों ऐसे ही जला हुआ रहेगा, हाँ हमें दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि हम घर पर चलाते हैं इतना चलाए, ऐसे चलाएंगे तो हमें कितना बैकअप मिलेगी। तो चलिए देखते, तो मैं आ गया ऊपर, अब देख पा रहे हो इधर, देख पा रहे हो कितना जल्दी दोस्तों ये चार्ज डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हो 57% हो चुका है, मतलब ये पुराना बैटरी है दोस्तों, 3 मिनट में इतना ज़्यादा चार्ज खत्म हो गया, आप देखो पुराना बैटरी से, ठीक है ना। और देखते और कितने टाइम चल पाती है, लगभग 1.5 साल से दोस्तों इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं टीवी चलाता नहीं हूँ, देख पा रहे हो यूपीएस मोड अभी ऑन है, 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आप जानते हो पुराना होने से ही दोस्तों बैटरी का बैकअप ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो देखते हैं अभी ये कितना टाइम चलेगा, तो देख पा रहे हो 57% अभी चार्ज है, बस 3 मिनट हुआ है दोस्तों, आप देखो कितना ज़्यादा 6 मिनट हुआ है, और इसके परसेंटेज आप देख पा रहे हो 55% अभी चार्ज बचा हुआ है बैटरी पर, आप देख पा रहे हो 54 हो गया। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम चल पाएगी। तो भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आया, 3 मिनट में बस 57% कैसे आ गया था, आप देख पा रहे हो लगभग 9 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी आपको दिखाया 52% अभी भी है, लेकिन 3 मिनट में लगभग दोस्तों 57% चार्ज आ गया था, इतना कम कैसे हो गया, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट पर बताना क्यों ऐसा हुआ, मतलब ये 1.5 साल पुराना बैटरी है इसके लिए, पता नहीं मुझे क्यों इतना ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना। 3 मिनट में भी 52% है, 10 मिनट हो चुका है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, तो अभी भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और चलिए और एक बार आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों बस 10 मिनट हुआ है दोस्तों, अभी जैसे कि तैसे ही चल रहा है दोस्तों, और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे दोस्तों मेरा घर दिखाने के लिए दोस्तों, इस वीडियो के बहाने से दोस्तों आपको मेरा घर भी दिख गया, देख पा रहे हो ये मेरा रूम है, ये मैं रहता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा बेडरूम। और चलिए बाहर भी आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपका मेरा घर भी दिख जाएगा, ये रहा बाहर, देख पा रहे हो यार, मिट्टी का दोस्तों घर है मेरा, देख पा रहे हो ये एक रूम है, जो भी अभी भी सब कुछ चल रहा है दोस्तों, फैन वगैरह जो भी है दोस्तों, देख पा रहे हो इधर बाहर लाइट फैन, इधर सीसीटीवी कैमरा सब कुछ ऑन है दोस्तों, और उधर एक टीवी भी है, वो नहीं दिखाया, देख पा रहे हो दोस्तों ये टीवी, देख पा रहे हो ये भी अभी भी चल रहा है, टीवी का कोई देखता ही नहीं, बस ऐसे ही पारा हुआ होता है दोस्तों, देख पा रहे हो आप, डीटीएच का रिचार्ज भी नहीं है, बस ऐसे ही चला दिया, देख पा रहे हो। तो चलिए अब बाहर आप देखते हैं, तो ये रहा दोस्तों मेरा बाहर का नजारा, देख पा रहे हो बाहर का लाइट भी जल रहा है, देखो
अभी चलिए देखते हैं अभी कितना चार्ज। अभी कितना परसेंट चार्ज बचा हुआ है बैटरी पर, चलिए मैं आपको चल कर दिखाता हूँ जगह देखते हैं। ये आ गया दोस्तों मेरे घर के ऊपर, ठीक है ना, देख पा रहे हो अभी चार्ज कितना परसेंट बचा हुआ है, जैसे तक देख पा रहे हो आप 48% अभी बचा हुआ है चार्ज, अब देखो ठीक है ना 48% बचा हुआ है और 14 मिनट हुआ है। तो दोस्तों अभी देखो 30 मिनट हुआ है और 33% चार्ज बचा हुआ है अभी देख पा रहे हो आप, ठीक है ना, तो और कितना टाइम चलेगी पता नहीं दोस्तों बस। दोस्तों आप देख पा रहे हो 43 मिनट हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हो 10% चार्ज अभी बचा हुआ है, देख पा रहे हो UPS मोड ऑन है और देख पा रहे हो दोस्तों लगभग 43 मिनट हो चुका है, 10% बचा हुआ है। चलिए अब देखते हैं 10% अभी भी कितना टाइम चलती है, तो चलिए देखते हैं। भाई आप देख पा रहे हो काफी कमाल का, देख पा रहे हो 2% बस चार्ज बचा हुआ है, 45 मिनट हो चुका है, अब देखो बस 2% चार्ज बचा हुआ है, अभी भी बैटरी लो इंडिकेट नहीं कर रहा है, 1% देख पा रहे हो 1% हो चुका है, अब देखो अभी भी बैटरी लो का इंडिकेट नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बैटरी लो इंडिकेट कर दिया, इधर 0% हो चुका है, तो इसको मैं रोक देता हूँ, देख पा रहे हो 45 मिनट और 0% चार्ज हो चुका है, बैटरी लो का भी इंडिकेट कर रहा है दोस्तों आप देख पा रहे हो, तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो अभी मैं इन्वर्टर को बंद किया, अभी देख पा रहे हो ये भी 37% 38% इधर चार्ज अभी भी दिखा रहा है, मतलब आप समझ सकते हो सिर्फ हम 70% यूज़ कर सकते हैं, 75% की आसपास हम यूज़ कर पाते हैं इस बैटरी से, ठीक पर देख पा रहे हो अभी भी चार्ज बचा हुआ है, लगभग आप डीसी वोल्ट में चलाओगे तो दोस्तों अभी भी आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन इन्वर्टर से अभी भी नहीं चलेगा देख पा रहे हो, ठीक है ना, अगर लिथियन बैटरी होता उस बैटरी में दोस्तों 100 से 100% ही हम यूज़ कर पाते, लेकिन इस बैटरी से नहीं होता है, लगभग हम 70% ही यूज़ कर पाते हैं, 75% के आसपास। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों ये 45 मिनट का बैकअप मिला, 45 मिनट। तो दोस्तों आपने देखा रियल बैकअप टेस्ट, लगभग 45 मिनट दोस्तों चला, सब कुछ लोड देकर दोस्तों मैंने चला कर दिखाया, 3 फैन एक टीवी चला कर दिखाया, लगभग 5 लाइट और वाईफाई CCTV कैमरा ऐसे तो था उसके साथ ही, काफ़ी अच्छा दोस्तों बैकअप दिया साइड एज की बैटरी से, लेकिन नया बैटरी होता लगभग 1.5 घंटे की बैकअप मिल जाती नया बैटरी होता तो, अभी लगभग 1.5 साल पुराना हो गया इसलिए दोस्तों बैकअप धीरे धीरे कम होने लगा, लगभग 400 वाट के आसपास दोस्तों लोड चला इसलिए दोस्तों बैकअप काफ़ी कम मिला, लगभग दोस्तों 1.5 घंटे के आसपास बैकअप मिल जाती अगर नया बैटरी होती है, लगभग 1.5 साल की पुराना बैटरी है इसलिए दोस्तों कम बैकअप मिला, लेकिन काफ़ी अच्छा ठीक ठाक है, आप चाहो तो ऐसा इमरजेंसी सिस्टम आप कर सकते हो कम खर्चे में दोस्तों, आप चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इन्वर्टर और बैटरी का, सब कुछ आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप चेक कर सकते हो, चाहो तो आप परचेज भी कर लो। तो वीडियो बाद इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तो क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख पाओगे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।